प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है। जब भी तकलीफ आती है उस समय इंसान डावा डोल हो जाता है। हम सब जो कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी हमारी आराम से चले और अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं ताकि कुछ हमें तकलीफ़ ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि अपने तरफ से सब कुछ करने के बावजूद भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं। तो उस समय इंसान का जो फेथ है प्रभु से वो हटना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, कि हमने कैसी गलती कर दी, क्योंकि हमें पुराने कर्म तो पता नहीं है कि क्यों तकलीफ़ आई, और ये भी नहीं पता कि जो हमें तकलीफ़ लग रही है शायद वो सही मायने में हमारे लिए बेहतर हो। तो इंसान क्योंकि सब कुछ समझता नहीं, सारी चीज़ें उसकी जहन में नहीं हैं, तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही ये तकलीफ क्यों हो गई है। तो बहुत सी बार हमारी समझ में नहीं आता कि जो हमारे साथ हो रहा है ये सही नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा। लेकिन हर एक चीज़ जो इंसान के साथ होती है वो प्रभु की रज़ा में होती है। पिता परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए बेहतर क्या है। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी ढलता है वो बेहतर से बेहतर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जॉब को तलाश कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं लग रहा, इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन चिट्ठी आ गई कि तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया। तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई बेहतर जॉब कहीं और पड़ा होगा, और यहाँ पर शुरू करते शायद कभी तरक्की ना होती। लाइफ में हमें पॉजिटिव रहना है, ये जानना है कि हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो रही है। और जब इस किस्म का हम अपना एटीट्यूड रखेंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी खुशी से गुजरेगी और कोई भी गम हमें तकलीफ़ नहीं देगा। नहीं तो ज़िंदगी भर इंसान यही सोचता रहता है कि ये क्यों नहीं ठीक हुआ, वो क्यों नहीं ठीक हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। मगर हमें ये पूरा यकीन होना चाहिए कि प्रभु हम सबके लिए वो करते हैं जो हमारे फायदे के लिए हो। कभी लाइफ में तकलीफ आ जाती है, कोई कहता है मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा दर्द, और डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप कराओ तो पता लगता है शायद बहुत बड़ी बीमारी की शुरुआत है, और वो बीमारी पकड़ी जाती है और इंसान उस बीमारी को दूर करने के लायक हो जाता है। तो हर एक पल में जब भी हमें लगे कि चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं कि वो हों, हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है, वो ठीक है, उससे बेहतर और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो अगर ये चार लफ्ज़ तेरा भाना मीठा लागे हमें याद रहेंगे तो हम देखेंगे ज़िंदगी प्यार से भरपूर होगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे।